रामपुर से सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जहां कोर्ट में चल रहे पिछले कई मामलों में आजम खान के खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं, तो वहीं उन्हें कई मामलों में 82 की कार्रवाई के तहत नोटिस भी तामिल किए गए हैं, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाती है। लेकिन बावजूद इसके आजम खान लगातार कोर्ट में पड़ रही तारीख पर पेश नहीं हुए, लिहाजा उन पर कार्रवाई का ये सिलसिला लगातार जारी है। रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट के सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया, कोर्ट में सांसद आजम खान के खिलाफ 4 मामलों में विचाराधीन चल रही कार्रवाई में 2 मामलों में उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई का आदेश एडीजे न्यायाधीश ने दिया। वहीं एक मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है, जबकि 4th मामले में उनके बेटे अब्दुल आजम के खिलाफ भी जमानती वारंट जारी किया गया है। आज माननीय आजम खान के 4-5 मामले हमारे कोर्ट में पेंडिंग थे एडीजे 6 में, उसमें 2 मामले में उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई का आदेश एडीजे 6 द्वारा किया गया है, 1 मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और 1 मामले में उनके बेटे अब्दुल आजम खान के खिलाफ भी बिलावल वारंट जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इसके अतिरिक्त भी कोई मामला नहीं, 4 मामले थे। एक मामला तो यही था जो उनके पड़ोसी आरिफ राजा खान द्वारा एक FIR लिखवाई गई थी उनके खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ, उसमें लगातार गैर हाजिर हो रहे हैं, पहले भी गिरफ्तारी वारंट हुए, गिरफ्तारी वारंट पर नहीं आए हैं वो, तो आज कोर्ट ने 82 की कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और 20 जनवरी के लिए हाजिर होने के लिए उनको तारीख दी गई। इसके अलावा एक और मामला था, उसमें भी उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई की गई है, उसमें 20 जनवरी नियत की गई है। 2 होगा, तीसरा कौन सा है? तीसरा मामला कि उन्होंने एक आचार संहिता का उल्लंघन किया था, मामले में उन्होंने एक अपनी कौम के खिलाफ एक टिप्पणी की थी कि हम वर्दी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने वोट का इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ था उनका, उसमें उनका गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश कोर्ट द्वारा किया गया। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ चल रहा पहला मामला उनके पड़ोसी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे का है, जिसमें लगातार गैर हाजिर रहने के चलते 82 की कार्रवाई के चलते गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और 20 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए तारीख तय की गई है। वहीं एक और मामले में 82 की कार्रवाई की गई। आजम खान पर तीसरा मामला आचार संहिता उल्लंघन का है, जिसमें उनके द्वारा दिए गए बयान का कोई वीडियो वायरल हुआ था। उस मामले में कोर्ट द्वारा आजम खान का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और 4th मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ा है, जिसमें अब्दुल्ला आजम ने रामपुर पूर्व सांसद जया पर्दा पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। उस मामले में लगातार गैर हाजिर होने के कारण अब्दुल्ला आजम का जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेशी के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।